हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा, रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस सीजन की ये सब्जी बनाएंगे। सर्दी का मौसम आ गया है तो इसमें मेथी बहुत अच्छी मिल रही है और मटर, सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी बन रही है। तो सारी सब्जियों को मिला के हम एक टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। तो ये है आलू, मटर, मेथी, गाजर और टमाटर, इसकी मिक्स सब्जी बनाएंगे। ये आलू लिए हैं मैंने, करीब एक बॉल के करीब आलू लिए हैं। देखिए, ये एक बॉल के करीब आलू लिए हैं, ये बड़ा बॉल है। और ये मटर लिए मैंने, एक छोटा बॉल मटर ली है। और ये गाजर ली है, एक छोटा बॉल। ये मेथी है, मेथी एक छोटा बॉल है। और ये टमाटर है, टमाटर भी एक छोटा बॉल लिया है मैंने। आप अपने मेम्बर्स के अकॉर्डिंग ये सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और ये मसाले लिए हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ फ्रेंड्स। गैस ऑन कर दी है मैंने और ये कढ़ाई में मैंने करीब ये ऑयल डाल लिया है मैंने। ये करीब है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लिया है मैंने। ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ये मेथी मैंने ली है, इसे मैंने छोटे छोटे कटिंग कर ली है और इसे अच्छी देर से 2-3 पानी में धो लिया है और फिर मैंने कटिंग कर ली है। तो ये मेथी भी हम मिक्स करेंगे, लेकिन पहले हम जो ज़्यादा हार्ड वेजिटेबल्स हैं उनको पहले हम फ्राई करेंगे, क्योंकि मेथी तो सॉफ्ट होती है तो इसको लास्ट में बाद में डालेंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, तो जब तक हम ये मसाले बता देती हूँ मैं आपको। ये मसालों में मैंने नमक लिया है, ये मिर्च है और ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है और ये है अदरक और हरी मिर्च। इसे मैंने छोटा छोटा पीसेज में क्रश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, लेकिन इसमें पीसेज आ रहे हैं, बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। और ये जीरा है और ये धनिया है जिससे मैं गार्निशिंग करूँगी, इसे छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और ये है अमचूर, थोड़ी सी अमचूर भी डालेंगे, टमाटर के अलावा थोड़ी अमचूर भी डालेंगे। और ये हींग भी डालूंगी मैं थोड़ी सी। ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा ऑयल और गर्म हो जाए फ्रेंड्स। देखिए, ये आलू, आलू मटर, गाजर और ये मेथी और ये टमाटर, इन सबको मिला के हम एक मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे। ये सर्दी की रेसिपी है फ्रेंड्स और आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं ये जीरा डाल रही हूँ। ये जीरा डाल दिया, और मैं ये थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। और हींग को डालते ही हम ये हींग जल जाती है, इसलिए हींग को डालते ही हम आलू डालेंगे। ये आलू मैंने डाल दें। आलू को हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ऑयल कम चाहिए तो आप कम भी ऑयल डाल सकते हैं, सब अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं।
ऑयल को, ये ऑयल के अंदर, सॉरी ऑयल के अंदर हम ये आलू को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ये तभी सब्जी अच्छी और टेस्टी बनेगी। इसको थोड़े ऐसे थोड़ा सा उलटते पलटते जाएंगे तो ये चारों तरफ से सिक जाएंगे, और जब ये आलू फ्राई हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा एक तरफ करके और ये गाजर भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, गाजर भी डाल दिया मैंने, ये देखिए गाजर भी डाल दिए। अब गाजर को भी फ्राई कर लेते हैं। गैस को मैंने, ये थोड़ी धीरे वाली गैस है, इसे मैंने फुल कर रखी है ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह थोड़ी फ्राई हो जाए। अभी फुल गैस में अपना ये सारा फ्राइंग सिस्टम चल रहा है। गाजर भी थोड़ी फ्राई हो गई है तो अब हम इसमें ये मटर डालेंगे। ये एक बाउल के करीब मटर लिए हैं फ्रेंड्स, ये मैं डाल रही हूँ। ये गाजर, और गाजर के बाद मटर भी डाल दिए, पहले आलू डाल दिए थे। और मटर भी फ्राई हो जाएंगे तभी इसमें हम मसाले वगैरह डालेंगे, पहले मसाले नहीं डालेंगे। ये आपको अच्छी तरह से कैमरे में दिख रहा होगा, मटर, गाजर और आलू। जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है, जैसे मैंने आलू पहले फ्राई करे थे वो पहले डालते हैं, उसमें तेज हीट होती है पहले, और जैसे जैसे हीट कम होती जाती है उसमें थोड़ी सॉफ्ट, जैसे गाजर डाली और फिर मटर डाले, फिर बाद में सॉफ्ट चीज़ें बाद में डालते हैं। मटर को भी गाजर के साथ फ्राई कर लेंगे। आलू को थोड़े एक तरफ कर दिए मैंने। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। अब मैं इसी के साथ, आप देखिए ये जो अदरक और हरी मिर्च का मैंने क्रश किए थे ये भी डाल देती हूँ, ये भी साथ में फ्राई हो जाएंगे। अदरक हरी मिर्च डाल दी, इसे भी हम थोड़ा सा, इसका मॉइस्चर चला जाएगा, फ्राई कर लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स ये मसाले डालेंगे, ये मेथी और टमाटर हम बाद में डालेंगे, पहले ये मसाले डाल देते हैं। ये ऑयल में सब चीजें फ्राई हो गई है तो पहले मैं डालूंगी धनिया, ये धनिया का पाउडर है ये डाल दिया। फिर ये हल्दी डाल दी, हल्दी डाल दी, और अब ये हल्दी और धनिया हो रहे हैं। जब तक मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने मिर्च ली है, ये मिर्च एक तो कुटी हुई मिर्च है फ्रेंड्स, और एक है ये डार्क कलर की तो कुटी हुई मिर्च है, और जो थोड़ी सी लाइट मिर्च है ये पिसी हुई मिर्च है। ये दोनों मिक्स कर लिए मैंने और मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अभी मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं बाद में डालूंगी जब मसाले फ्राई हो जाएंगे। और इसी के अंदर मैं ये मेथी अभी डालूंगी, लेकिन मेथी थोड़ा सा बाद में डालूंगी, पहले ये आलू और ये हो जाए। अब मसाले फ्राई हो गए, अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ, ये नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक। और फ्रेंड्स अब इसे थोड़ा सा ऐसे उलट पुलट कर देंगे, और फिर
थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के करीब 5 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे और ये ढक्कन इसका बंद कर देंगे। ढक्कन लगा दिया, अब 5 मिनट तक हम इसे गैस पे होने देंगे। फ्रेंड्स ये 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये आलू अब हाफ कुक हो गए हैं, मटर भी हो गए हैं। अब हम जल्दी से थोड़ी सी गैस मैंने धीरे कर रही है, अभी धीरे करिए। तो इसमें हम ये मेथी डालेंगे, थोड़ी सी मेथी डाल दी, ज़्यादा मेथी नहीं डाली है क्योंकि आलू मेथी की सब्जी में ज़्यादा डालते हैं, ये सारी मिक्स वेजिटेबल है इसलिए इसमें थोड़ी मेथी डाली है मैंने। इसका लुक भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा है। और मेथी के बाद मैं ये टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर नहीं डाले थे ना फ्रेंड्स, इसलिए अब ये टमाटर डाल दिया। अब गैस को मैं थोड़ा तेज कर लेती हूँ और ये टमाटर अभी मैं इसमें इस तरीके से अभी ऊपर ही रखती हूँ और 2 मिनट गैस को हम थोड़ी सी मीडियम करके अभी बार बार हिला के देखेंगे। और फिर वापस 1 मिनट बाद हिला लेते हैं। फिर इसको वो मेथी बीच में, पहले मेथी डाली थी तो मेथी बीच में थी इसलिए अब टमाटर ऊपर है। अब फिर गैस तेज करी मैंने, अब इस टमाटर को और मेथी को नीचे कर देते हैं, सॉरी नीचे कर देते हैं। और ये आलू और सब मसाले ऊपर आ गए थोड़े, और मेथी और टमाटर थोड़े नीचे चले गए और थोड़े जो मेल्ट नहीं हुए थे, मैश नहीं हुए थे टमाटर, अब वो भी मैश हो रहे हैं। और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको एक और बात बताऊँ, सारे मसाले डालने के बाद में मैंने अमचूर अब लास्ट में डालते हैं, ये अमचूर डाल रही हूँ मैं। इससे क्या अमचूर और टमाटर का दोनों मिक्स का मिक्स टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको इस तरह से थोड़ा हिलाएंगे, ये गैस तेज कर दी है मैंने। तेज करने से क्या होगा कि ये सारे इसके फ्लेवर से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये सारे सब्जियां मैंने इसमें डाल दी है, ये ट्रे अलग हटा लेती हूँ, बस ये धनिया डालना बाकी रह गया है, ये धनिया डालेंगे हम इस तरह से हिलाएंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और गैस थोड़ी सी सिम कर देंगे। फिर ढक्कन अलग हटाएंगे, इस तरीके से हमको बार बार इसको चेक करना पड़ेगा। फिर गैस तेज कर देते हैं। अब ये आलू हम थोड़ा सा ऐसे मैश करके देख लेंगे कढ़ाई में, ये आलू प्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब अपनी सब्जी बन गई है। देखिए कितनी मस्त सब्जी बनी है, आप इसे रोटी पराठे नान चपाती किसी के भी साथ खाइए, चावल के साथ भी खा सकते हैं वैसे, और टिफिन में दीजिए। सर्दी की रेसिपी ये बहुत मस्त है, देखिए कितनी अच्छी लुक में लग रही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और थोड़ा गार्निशिंग करेंगे।
सब्जी बन गई है फ्रेंड्स। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये गैस बंद कर दी है गैस, और अब इसे सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। इसे इस तरह से फिर हिला देती हूँ। ये सारे फ्लेवर्स इसमें मिक्स हो गए सारी सब्जियों के। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। ये सर्विंग बाउल में मैं इसे ले लेती हूँ। गरम गरम ये सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी। इसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको भी पसंद आएगी। और इसके अंदर मैं धनिया भी डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए। धनिए से हम गार्निश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये धनिया डाल दिया मैंने, इस तरीके से गार्निश कर दिया। ये देखिए, ये सब्जी कितनी अच्छी लग रही है गरम गरम। देखिए, ये सब्जी सबको पसंद आएगी। आलू, मटर, टमाटर, गाजर, सभी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो आप खाइए, खिलाइए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for watching my channel. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.